आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मरकुस की इंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 70वीं आयत से। मुकद्दस मरकुस की इंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 17 आयत से। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था, तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नज़र की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा, जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। वो नहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे, फिर कौन नजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और अंजील की खातिर छोड़ दिया हो और अब इस जमाने में 100 गुना ना पाए। घर और भाई और बहनें और माएँ और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ, और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हम मुकद्दस मरकुस की अंजील का तफसीरी मताला कर रहे हैं और टेक्स्ट बाय टेक्स्ट हम इसको डेवलप कर रहे हैं। और मरकुस की अंजील के तफसीरी मताला के सिलसिले में आज हमारा 35वां लेसन है।
और ये जो हवाला हमारे सामने है, लाजमी है कि हम पहले इसका मजमून रख लें और फिर इसकी आउटलाइन बनाएं, क्योंकि बतौर पासवान और चर्च लीडर और टीचर और प्रीचर हमारी जिम्मेदारी है कि जो हम टेक्स्ट पेश करते हैं हमें उसका मजमून पता हो और अपनी कलीसिया को बता सकें कि आज हमारा मजमून कौन सा है। और नंबर दो पे हम उस मजमून की तकसीम करें कि उस मजमून को हम किस तरह से तकसीम करेंगे और कलीसिया तक पहुंचाएंगे ताकि कलीसिया उस मजमून को सही तौर पर समझ सके। सो जो हवाला हमारे सामने है मकद्दस मरकज की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयत से लेकर 31वीं आयत तक हमने पढ़ा है, इसका मजमून है दौलत और खुदा की बादशाही। दौलत और खुदा की बादशाही, और इस मजमून को समझने के लिए हम इस हवाले को तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा है मरकज की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयत से लेकर 22वीं आयत तक। इसमें खुदावन यीशु मसीह एक नौजवान के साथ एनकाउंटर करते हैं, यानी उसके साथ बहस होती है खुदा की बादशाही के सिलसिले में। और ये जो पैसेज है, हवाला है, ये खुदावन यीशु मसीह का एक नौजवान के साथ मकालमा है, बहस है, तकरार है कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए क्या करना चाहिए। फिर दूसरा हिस्सा है मरकज की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक दूसरा हिस्सा है। इसमें क्या बताया गया है, किसमें खुदावन्द यीशु मसीह ने दौलत और खुदा की बादशाही को मुतजाद करार दिया है, यानी ये दोनों अपोनेंट्स हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और खुदावन्द यीशु मसीह ने इसके ऊपर बहुत बड़ी मशहूर जमाना स्टेटमेंट भी दे दी है कि ऊंट का सुई के नाके से गुजरना आसान है मगर दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिला मुश्किल है। ये स्टेटमेंट देकर खुदावन्द यीशु मसीह ने दौलत और खुदा की बादशाही को अपोजिट करार दे दिया है। और फिर तीसरा हिस्सा है 28वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। उसमें मकद्दस पत्रस रसूल जो खुदावन्द यीशु मसीह के बड़े होनहार शागिर्द हैं, उन्होंने अपनी फिक्रमंदी जाहिर कर दी है कि अगर ये वाकया ही मुश्किल है तो हमने तो अपने घर बार को छोड़ दिया है, अपने कारोबार को छोड़ दिया है, तो क्या मुमकिन होगा कि हम खुदावन्द यीशु मसीह की पैरवी करते हुए खुदा की बादशाही में शामिल हो जाएं। इसके जवाब में खुदावन्द यीशु मसीह ने इन आयात में बहुत कुछ कहा है। सो आइए अब इस तकसीम को बारी बारी देखें कि खुदावन्द यीशु मसीह दौलत और बादशाही, आसमान की बादशाही को किस तरह जस्टिफाई करते हैं। जब हम इसको समझ जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आज बहुत सारे इश्यूज हमारे हल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं इस हवाले में जो मैं चाहूँगा कि हम आज ज़रूर उनको एड्रेस करें। ये जो सिलसिला है ये शुरू हुआ है मरकज की इंजील उसके 8वें बाब की 31वीं आयत से और ये जारी रहेगा मरकज की इंजील उसके 10वें बाब की 52 आयत तक। खुदावन्द यीशु मसीह का सफ़र वापस यरूशलम को तरफ जा रहा है और रास्ते में खुदावन्द यीशु मसीह अपने शागिर्दों को टीच कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। अगर आप 33वां लेसन देखें तो खुदावन्द यीशु मसीह ने खानदान की बात की है, मियां बीवी की बात की है। और उसके बाद अगर आप 34वां लेसन देखें तो उसमें खुदावन्द यीशु मसीह ने बच्चों की बात की है। और आज 35वें लेसन में एक नौजवान का जिक्र आया है। और सोशियोलॉजी में खानदान हमेशा उसकी जो स्टेजेस हैं
वो यही होती हैं कि पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं और नौजवान होते हैं। यानी बाइबल मुकद्दस ने मसीही खानदान का अहाता किया है और बच्चों को भी बताया है। पिछला लेसन बच्चों के साथ था और आज नौजवानों के साथ है। उन तमाम मसीही नौजवानों को एड्रेस किया जा रहा है जो आज मसीही खानदानों का हिस्सा है। 17 से 22 आयत तक हम देखते हैं, और जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था तो एक शख्स, यहां मरकस में शख्स लिखा है, जबकि मत्ती रसूल ने इसे नौजवान कहा है और लूका की इंजील ने इसे सरदार यानी किसी तंजीम का बड़ा शख्स कहा है, सिनहेड्रिन का, सदर अदालत का, या किसी यहूदी तंजीम का सरदार कहा है इस शख्स के बारे में जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है। लिखा है कि दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाऊं। अब ये जो नौजवान शख्स है, इसके बारे में बताया गया है कि ये सरदार है, नौजवान है और ये दौलतमंद भी है, लेकिन इसने खुदावंद यीशु मसीह को सवाब करने के लिए 3 एफर्ट्स की हैं। जब इसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा है तो अपने एक अजीब से सवाल के साथ ये भागा है, और ये जो सवाल है उस वक्त तमाम लोग पूछा करते थे अपने आप से और अपने उस्तादों से, क्योंकि यहूदी मजहब में मजहबियत का बड़ा असर है। यहूदी मजहब में रिलीजियोसिटी यानी मजहबियत का बड़ा अमल दखल है। लोग जाहिरन अपने आप को मजहबी करार देते थे और फिर भी एक सवाल उनके अंदर था कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं। भाई, अगर आपके पास शरीयत है, अगर आपके पास तौरात है, अगर आपके पास अहकाम अशरा है, आपके पास डेकालॉग है, आपके पास बाइबल मुकद्दस का पुराना अहदनामा है, आप उस पर अमल कर रहे हो, तो फिर ये सवाल पूछने की क्या जरूरत है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का। सो यहां से क्लियर हो जाता है कि किसी भी मजहबी यहूदी में यह सवाल क्लिक कर रहा होता था कि हमेशा की जिंदगी शायद हमारे शरीयत के अमल करने पर नहीं हासिल होगी। यह सवाल जो है यह खुटक रहा है किसी भी मजहबी यहूदी के अंदर जो शरीयत पर अमल करते हैं। यह एक जनरल सवाल है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं, और यह सवाल पूछने के लिए उसने 3 एफर्ट्स की हैं। पहली नंबर पर उसने यीशु को देखा है और वो दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास आया है। आप उसके अंदर सवाल पूछने की शिद्दत का अंदाजा कर सकते हैं कि वो दौड़ता हुआ उसके पास आया है, और जब उसके पास आया है तो वो उसके सामने गिर पड़ा है। दूसरी बात कि उसके सामने गिर पड़ा है, और तीसरी बात वो गिर ही नहीं पड़ा बल्कि उसके सामने उसने घुटने टेक दिए। एफर्ट्स बड़ी खूबसूरत है। जहां तक इस कोशिश का सवाल है, अगर किसी शख्स में ये कोशिश है तो फिर वो जरूर उस जगह तक पहुंचेगा जहां वो चाहता है। कि वो भागता हुआ आया है यानी उसके अंदर सवाल जो है उसने उसकी जिंदगी की स्पीड को बढ़ा दिया है, उसने उसको गिराने पर मजबूर कर दिया है, और उसने उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और ये शख्स दौड़ा हुआ आया है, उसने उसके सामने गिरा है और उसके सामने घुटने टेक दिए हैं।
अब ये देखिए, इसकी एफर्ट्स बड़ी अच्छी हैं, इसकी कोशिश बड़ी अच्छी है, बड़ी स्टैंडर्ड कोशिश है इसकी कि वो अपने उस एहतराम में आए। अब देखिए ये क्यों आया, ये तीनों एफर्ट्स करने के बाद भी ये नौजवान बच नहीं सका। बाइबल में लिखा है कि वो मायूस वापस चला गया, ये बच नहीं सका, ये हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सका। इसकी जेन्युइन कोशिश है, कोशिश बड़ी अच्छी है, दौड़ा है, वो गिर गया है और उसके सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन ये बच नहीं सका। क्यों इसने ऐसा किया है, गौर से सुने। इसलिए उसने ऐसा किया है कि ये इसलिए नहीं कि ये सवाल इसको दौड़ा रहा है, या इसका सवाल इसको मजबूर कर रहा है कि वो गिर जाए, या इसका सवाल इसको कह रहा है कि इसके सामने घुटने टेक दे। नहीं, ये किसी भी रबी की, जो बहुत बड़ा रबी है, उसकी रिक्वायरमेंट थी कि उसका स्टूडेंट हमेशा ऐसे ही आए। उस वक्त के असातजा अकराम की रिक्वायरमेंट थी कि अगर उनकी फ्लैटरिंग ना की जाए, अगर उनको खुशामद ना किया जाए, अगर उस वक्त के टीचर्स को ऊंचा ना किया जाए, उनकी इज्जत ना की जाए, खुदा से ज्यादा उनकी इज्जत ना की जाए, तो वो आपको डील नहीं करते थे, वो आपको अटेंड नहीं करते थे। क्योंकि उस वक्त के जो टीचर थे, जो मजहबी रहनुमा थे, वो सवालों को डील नहीं करते थे जब तक उनकी खुशामदी ना की जाए। और खुशामदी का अगला सबूत देखें क्या है, वो गिर गया है और उसने कहा है कि ए नेक उस्ताद। अगर किसी उस्ताद को यहूदियों में नेक ना कहा जाए तो वो आपके सवाल को अटेंड नहीं करता था। और खुदावंद यीशु मसीह को ये सारी चीजें पसंद नहीं आई, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह यहां पर बतौर टीचर और प्रीचर समझा जा रहा है, बतौर सेवियर नहीं समझा जा रहा। खुदावंद यीशु मसीह को इस नौजवान ने बतौर टीचर और प्रीचर तो समझा है, लेकिन उसको सेवियर नहीं समझा। और जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हम आसमान की बादशाही में दाखला नहीं पा सकते। यह एक नुक्ता है जो मैं समझाना चाहता हूं। इस नौजवान की कोशिश है कि वो निजात पाए, खुदावंद यीशु मसीह की भी कोशिश है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कोशिश जो है वो ये है कि जब तक खुदावंद यीशु मसीह को सेवियर ना समझा जाए, निजात दहिंदा ना समझा जाए, हम निजात नहीं पा सकते। देखें, आज पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह को कुछ ना कुछ समझा जाता है। लोग उसको नबी कहते हैं, नबी का दर्जा देते हैं, कुछ लोग उसे उस्ताद का दर्जा देते हैं, कुछ लोग उसे बड़ी इखलाकियात का स्टैंडर्ड मानते हैं खुदावंद यीशु मसीह को। लेकिन बचेंगे वो जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं। अदरवाइज खुदावंद यीशु मसीह आपकी नजर में गिरा कदर है, इज्जतदार है, सब कुछ है, अगर सेवियर नहीं है तो फिर निजात नामुमकिन है, निजात नहीं हो सकती। सो उसने कहा, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने इसको एनकाउंटर किया है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उसने उसका दौड़ना पसंद नहीं किया, उसका गिरना, उसका सजदा करना, घुटनों के बल आना पसंद नहीं किया। और खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने यह पसंद नहीं किया कि उसने उसे नेक उस्ताद क्यों कहा। 18वीं आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है, कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। अब यहां मैं एक और मसला हल करने लगा हूं आपका। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं
कि मसीही लोगों का ये दावा है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा है, और अगर वो खुद खुदा है तो उसने यहां अपने नेक होने का इकरार क्यों नहीं किया? क्योंकि यीशु मसीह ने उस नौजवान को कहा है कि तू मुझे नेक क्यों कहता है, कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं अपने तमाम हाजरीन और नाजरीन को कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहां ऐसा क्यों कहा है, इसलिए कि उस नौजवान के जहन में खुदावंद यीशु मसीह ना तो खुदा का बेटा है, ना ही दुनिया का सेवियर है, ना ही वो निजात दहिंदा है। उसकी नजर में खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों का एक रबी है, एक उस्ताद है जो खुदावंद यीशु मसीह समझ रहे हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर अपने आप को बतौर सेवियर और खुदा का बेटा और खुदा रिप्रेजेंट नहीं किया। उसने कहा है क्योंकि तेरे जहन में मैं एक उस्ताद हूं, लिहाजा कोई भी जमीन पर उस्ताद नेक नहीं हो सकता, उस्ताद फाइनल डेस्टिनी नहीं होता। खुदावंद यीशु मसीह की नजर में जो भी टीचर और प्रीचर हैं, ये एक उंगली की तरह होते हैं जो खुदा की तरफ इशारा करती है। जो भी टीचर और प्रीचर होता है वो खुद खुदा नहीं होता, बल्कि वो खुदा की तरफ इशारा करता है। टीचर वो उंगली होती है जो खुदा की तरफ इशारा कर रही है, और खुदावंद यीशु मसीह ने जितने भी टीचर हैं, बाइबल टीचर हैं, जो बाइबल मुकद्दस के उस्ताद हैं, उनके लिए लेसन दे दिया है कि तुम अथॉरिटी नहीं हो, तुम उस्ताद नहीं हो, तुम उस्ताद तो हो लेकिन तुम खुदा नहीं हो, तुम उंगली हो और आपकी उंगली इशारा कर रही है खुदावंद खुदा की तरफ। और यहां यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया है, उसने कहा है क्योंकि तूने मुझे उस्ताद कहा है, इसलिए उस्ताद कभी नेक नहीं होता, उस्ताद कभी कामिल नहीं होता, उस्ताद उंगली होता है जो खुदा की तरफ इशारा करती है, और मैं भी आज उंगली हूं जो खुदा की तरफ इशारा कर रही हूं। यहां पर उसने कहा है कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। अब ये मसले हल करके खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उसको उसकी नजर में ही चेक किया है, और ये भी एक खुदावंद यीशु मसीह का तरीका है, उसकी अदा है कि जो शख्स उसके पास आया है उसको उसकी ही नजर में चेक किया जाए। वो कहते हैं कि तू हुक्मों को तो जानता ही है। कौन से अहकाम हैं? पांच अहकाम हैं जो नेगेटिव हैं बाइबल मुकद्दस में कि तू ये ना करना। उसे कहा तू जानता है कि खून नहीं करना, तू जानता है जिना नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देनी, फरेब देकर नुकसान नहीं करना। ये पांच हैं, और छठा है अपने बाप की और मां की इज्जत करना। ये छह अहकामात खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बता दिए हैं इस नौजवान को, और इस नौजवान ने कन्फेस कर लिया है। उसने उससे कहा ऐ उस्ताद मैंने ये लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। इस नौजवान ने बताया ये है कि मैं एक मियारी मजहबी यहूदी हूं, मैं एक मियारी मजहबी यहूदी हूं, मैंने इस मियार को पूरा किया है। अगर आप इस इस्तिस्ना में देखें उसके 30वें बाब में 15वीं आयत से 17वीं 18वीं आयत तक, वहां पर एक मेयार दिया गया है कि जो भी यहूदी है उसको इस शरीयत पर अमल करने से वो बच सकता है। ये यहूदी कॉन्सेप्ट है, और ये जो लड़का है ये मजहबी है, मजहब के तमाम अवामल जो हैं उन पर ये अमल पैरा है, उन पर ये अमल करता है, लेकिन इसके बावजूद ये कहता है
कि क्या मैं ये काम करने से आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाऊंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तू ये करता है तो फिर तुझ में एक कमी है। तू रिलीजियस जरूर है, तो स्पिरिचुअल नहीं है। रिलीजियस लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, स्पिरिचुअल लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। उसने कहा है तू मजहबी है, मसीही नहीं है। सो मजहबी कोई भी हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं। मजहबी कौन होता है? जो चंदे भी देता है, जो दहायकी भी देता है, जो चर्च में भी जाता है, जो एल्डर भी है, पादरी भी है, मजहबी रहनुमा भी है, वो तमाम मजहबी अवामल करता है, बाइबल भी पढ़ता है, दुआ भी करता है, कन्वेंशंस भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो रूहानी नहीं है। खुदावन की बादशाही का तल्लुक रूहानियत के साथ है, मजहबियत के साथ नहीं है। लिहाजा मजहबियत आपको खुदा की बादशाही में लेकर नहीं जाएगी, मसीहियत आपको खुदा की बादशाही में लेकर जाएगी। उसने कहा तू यहूदी मजहबी जरूर है, लेकिन तुझ में एक कमी है कि तू मसीही नहीं है। तुझ में एक कमी है। 21वीं आयत में जा, जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आके मेरे पीछे हो ले। आपके जहन में मकद्दस लूका की इंजील उसके 19वें बाब की पहली 10 आयात जरूर आ गई होंगी, और ये वो कहानी है जिसे जकई की कहानी से मंसूब किया गया है। वो भी मजहबी था, लेकिन जब मसीही हो गया तो उसने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। उसने कहा खुदामंद मैं अपना आधा माल गरीबों को दे देता हूं, और जो बच गया है वो भी दे दूंगा, लेकिन उनको जिनका मैंने ना हक मारा है। लिहाजा उसने सारा का सारा माल गरीबों को दे दिया, क्योंकि वो मसीही हो गया था। सो मसीही होने के लिए लाजमी है कि आप दौलत परस्त नहीं होंगे। दौलत परस्त नहीं होंगे, इसको मैं और खोलूंगा अभी थोड़ी देर ठहर के। हमें दौलत को प्यार नहीं करना खुदा के मुकाबले में, खुदा की बादशाही के मुकाबले में। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू सारा माल बेच दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि तू बेच दे, ये भी कहा है कि अपने लिए आसमान पर खजाना जमा कर, क्योंकि जमीन पर तेरा खजाना है जो तुझे बचा नहीं सकेगा, लेकिन जो खजाना आसमान पर है वो तुझे, तेरे पास बड़ी दौलत है, लेकिन वो दौलत तेरी जमीन पर है, आसमान पर तेरा बैंक अकाउंट खाली है या खुला ही नहीं है। उसने कहा तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और फिर आके मेरे पीछे हो ले। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको अपनी पैरवी करने की दावत दी है, लेकिन उसने दावत को कबूल नहीं किया। अगर वो कबूल करता तो वो खुश होता, क्योंकि जो खुदावंद यीशु मसीह की दावत को कबूल कर लेते हैं वो जमीन पर भी खुश होते हैं और आसमान पर भी खुशियां ही खुशियां होती हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है 22वीं आयत में इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि वो बड़ा। अब यहां दौलत और खुदा की बादशाही का मुआजना किया गया है। वो बड़ा मालदार था, यहां मालदार दौलत जो है, दौलत से मुराद सिर्फ आपकी करेंसी ही नहीं है। यहां सुने जरा, दौलत से मुराद यहां आपकी करेंसी ही नहीं है, दौलत से मुराद आपका बिजनेस है, दौलत से मुराद आपकी बिल्डिंग्स हैं, दौलत से मुराद आपकी जमीनें हैं, दौलत से मुराद आपकी ठेकेदारियां हैं, दौलत से मुराद आपकी बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, दौलत से मुराद आपके जानवर हैं,
जो भी आपका पोजेशन है, जो भी आपके पास है, वो दौलत के जुमरे में आता है। और जो शख्स, अब ये साइकोलॉजी सुन ले, दौलतमंदों की साइकोलॉजी सुन ले, अगर वो बैंक अकाउंट से प्यार करता है दौलतमंद, तो वो हर रोज अपने बैंक अकाउंट्स को पाइल अप करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। अगर दौलतमंद जमीनों को प्यार करता है तो वो अपनी जमीनें बढ़ाता जाएगा। अगर दौलतमंद जानवरों को प्यार करता है तो उसके जानवर बढ़ते जाएंगे। अगर दौलतमंद अपनी पोजीशन को प्यार करता है तो वो पोजीशन को हासिल करने के लिए कोई भी जायज नजायज काम करता रहेगा। ये दौलतमंदों की साइकोलॉजी है कि वो जिस भी कारोबार में हैं, अगर वो अच्छे ठेकेदार हैं तो वो एक से एक बढ़कर ठेका ले रहे हैं। और ये तमाम की तमाम चीजें खुदा के मुकाबले में खड़ी हैं। और यही इस शख्स का था कि उसके बाद बहुत पोजेशन था, इसलिए वो मायूस हो गया। मालदार होने के बावजूद ये शख्स मायूस है। लेकिन खुदावन की ताबेदारी में रहने वाला शख्स ना जमीन पर मायूस होता है, ना आसमान पर मायूस होता है। अब 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक दूसरा हिस्सा है, 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक, कि खुदावन्द यीशु मसीह अब दौलतमंदों की जो मुश्किलात हैं, दूसरे हिस्से में जो 23वीं से 27वीं आयत तक है, खुदावन्द यीशु मसीह दौलतमंदों की मुश्किलात बता रहे हैं कि वो क्या है, कि वो क्यों उसमें शामिल नहीं हो सकते। 23वीं आयत, फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्दों ने उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। और स्टेटमेंट देखें, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। खुदावन्द यीशु मसीह ने दौलत परस्ती और दौलत मंदी में भी यहां फर्क महसूस कराया है। दौलतमंद होना मसीही प्रिंसिपल है और दौलतमंद होना कोई बुरी बात नहीं है। यहां मैं क्लियर करना चाहता हूं कि दौलतमंद होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बड़े बड़े हीरोज जो हैं वो दौलतमंद थे। बाइबल मुकद्दस के तमाम बड़े बड़े हीरोज, जिसे हम ईमानदारों का बाप कहते हैं, इब्राहिम, उसके बारे में लिखा है कि वो दौलतमंद शख्स था। अय्यूब, जो याकूब का पोता था, उस वक्त उसका जो पोजेशन था, उसकी दौलत थी, वो 4.5 अरब के करीब थी। अय्यूब जो औज की सरजमीन पर था, ये याकूब इसराइल का पोता था, उस वक्त जो पोजेशन था उसके पास 4.5 अरब असासे थे जो उसके पास थे। याकूब हिमसेल्फ बहुत मालदार शख्स था, यूसुफ बहुत मालदार शख्स था। दौलतमंद होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तमाम के तमाम हीरोज दौलतमंद तो थे, लेकिन ये खुदा के मुकाबले में दौलत को कुछ नहीं समझते थे। ये दौलत परस्त नहीं थे। और जब खुदावन्द यीशु मसीह ने यह कहा है कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है, इसको हमने गलत तर्जमा कर दिया। अंग्रेजी में तर्जमा ठीक है, अंग्रेजी में मनी लवर कहा गया है, क्योंकि दौलतमंद जो तर्जमा हुआ उसमें यह हुआ कि हम अगर देखें तो 13वीं सदी तक दुनिया में जितनी प्रॉपर्टीज थी उनमें से सबसे ज्यादा चर्च ओन करता था, चर्च की प्रॉपर्टी थी, इवन 16वीं सदी तक। और फिर ये 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में ये तर्जमा सामने आ गया कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, और इस तर्जमे ने मसीहियों को और चर्च को गरीब कर दिया,
क्योंकि लोग खुदा को प्यार करते थे, दौलत को प्यार नहीं करते थे। इसलिए लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, लोगों ने अपने बैंक अकाउंट गरीबों को दे दिए। और फिर 20वीं सदी का जो चर्च है ये आपको गरीब चर्च नजर आएगा पूरी दुनिया में। इसलिए कि चर्च को जो तर्जमा दिया गया वो ये था कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, तो चर्च ने बेहतर जाना कि चर्च गरीब होना बेहतर है, क्योंकि हमें तो ये तालीम दी गई है कि अगर तेरी आंख तुझे धोखा देती है उसे निकाल दे, अगर तेरा हाथ तुझे धोखा दे तो उसे काट दे। इसलिए कि खुदा की बादशाही में इन चीजों के साथ नहीं जाया जा सकता। और दौलतमंद को भी खुदा ने कहा कि ये दौलत जाती है तो जाए, हमें खुदा की बादशाही को जाया नहीं करना। और 20वीं सदी का चर्च गरीब हो गया। फिर 20वीं सदी के आखिर में इवेंजेलिकल्स सामने आए, उन्होंने एक नया तर्जमा कर दिया और वो है दौलत परस्त का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। जो खुदा के मुकाबले में दौलत को रखता है वो दौलत परस्त होता है। दौलतमंद होना लिहाजा कोई बात नहीं, क्योंकि खुदा का काम भी दौलत से होता है। अगर खुदा का काम करना है उसके लिए भी पैसे दरकार हैं। आपको ट्रैवल चाहिए, आपको कन्वेंशन करनी है, आपको सेमिनार्स करने हैं, आपको प्रोग्राम्स करने हैं, आपको चर्च बजट करना है, ये सारी चीजें दौलत के साथ होगी। लिहाजा आज हमें दौलतमंद होने से घबराना नहीं है। जो मसीही दौलतमंद है खुदा उसे और दे, लेकिन दौलत परस्त नहीं होना मसीहियों ने। अगर मसीही दौलत परस्त हो गए तो फिर वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है। यीशु ने क्लियर कर दी है, उसने कहा कि दौलत परस्तों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्दों ने इन बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों जो लोग दौलत पर भरोसा करते हैं यानी दौलत को वर्शिप करते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। अब उसने स्टेटमेंट दी है 25वें आयत में, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलत परस्त का खुदा की बादशाही में दाखिल होना। अब ये एक मिसल है, प्रोवर्ब है, एक मिसाल है जो उस वक्त किसी भी मुश्किल काम के लिए इस्तेमाल की जाती थी कि ऊंट का सुई के नाके से गुजरना आसान है बनिस्बत इसके कि दौलत परस्त का खुदा की बादशाही में दाखिल होना। ये ऊंट और सुई का नाका क्या है? उस वक्त की आर्कियोलॉजी में यानी आसार कदीमा में अगर आप चले जाएं, उस वक्त के यरूशलेम में चले जाएं, तो यरूशलेम की एंट्री जो है ये बड़े बड़े गेट्स के साथ हुआ करती थी, बड़े बड़े गेट्स, क्योंकि बिजनेस होता था ऊंटों के ऊपर और लोग ऊंटों के ऊपर माल मता लेकर यरूशलेम में दाखिल होते थे। और ये जो गेट्स हैं ये रात को बंद हो जाते थे 10-11 बजे के बाद, और फिर गेट्स के साथ छोटी छोटी गेटियां होती थीं जिनमें से ऊंट का गुजरना मुश्किल था। और ये इमरजेंसी में इंसानों के लिए खोली जाती थी, अगर ऊंट वगैरह होते थे तो वो रात भर बाहर यरूशलेम के बाहर इंतजार करते और सुबह गेट खुलने पर वो बिजनेस लेकर आ जाते थे। और वो जो छोटी छोटी गेटियां होती थीं उनमें से इंसान भी मुश्किल से गुजरता था, लेकिन इमरजेंसी में अगर कोई रात को पैसेंजर आ गया है, कोई स्ट्रेंजर आ गया है, तो उसको इजाजत दे देते थे उसके चौकीदार कि वो अंदर आ जाए। और वो जो छोटे छोटे गेट्स होते थे दोनों तरफ में उनको सुई का नाका कहा जाता था, और ऊंट वहां से गुजर नहीं सकता था। और ये मिसल यूज की जाती थी कि ऊंट उन दरवाजों में से गुजर सकता है लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकता, जबकि ऊंट भी नहीं गुजर सकता था। कहते थे ये हो सकता है कि शायद गुजर जाए मरोड़ मरोड़ के, लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने दौलत परस्तों के दाखले की नामुमकिन सूरत हाल को बता दिया है कि दौलतमंद तो खुदा की बादशाही में जाएंगे लेकिन दौलत परस्त खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है। वो नहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे, 26वीं आयत, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है।
यहां एक बात क्लियर है कि नजात का ताल्लुक सवाए फजल के किसी चीज के साथ नहीं है। और फजल का बानी और फजल का मालिक कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। सो आज अगर किसी भी जहन में यह सवाल है इस नौजवान की तरह कि मैं क्या करूं कि निजात हासिल करूं, जैसे दरोगे ने अमाल 16 बाब में पूछा 31वीं आयत में कि ऐसा है वो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, तो जवाब क्या था? खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा, तुमको फजल ही से निजात मिले। सो खुदावंद यीशु मसीह के बगैर आसमान की बादशाही में दाखला नामुमकिन है। आखिरी हिस्सा, ये सारी डिस्कशंस के बाद पतरस फिक्रमंद हो गया है। खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द और अपने दूसरे शागिर्दों के बिहाफ पर वो सवाल करता है 28वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक, और खुदावंद यीशु मसीह पतरस के उस मसले का हल निकालते हैं। पतरस उससे कहने लगा, देख हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों बहनों और आगे सारी चीजें बताई गई हैं। पतरस ने कहा है कि हमने तो खुदावंद अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया है, भाइयों बहनों को छोड़ दिया है, बच्चों को छोड़ दिया है, क्या हम जो तेरी पैरवी कर रहे हैं हमें कुछ मिलेगा? गो के वो जानता है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने में हमेशा की जिंदगी मौजूद है, लेकिन बतौर इंसान शागिर्द उसका सवाल जायज था, जो आज हमारी मदद कर रहा है कि पतरस ने अपनी मुश्किल बता दी है कि हम जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, मैंने आज बहुत से खुदाम देखे हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी नौकरियां छोड़कर खुदाम की खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद का काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने खुदा के खादम देखे हैं जो मेरी ही फेलोशिप में हैं, उन्होंने अपने कारोबार छोड़ दिए हैं खुदावंद के साथ चलने के लिए। और पतरस ने सवाल किया है कि खुदावंद हमने ये सब कुछ छोड़ दिया है, बता हमें क्या मिलेगा? और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं। और मैंने बताया कि जब खुदावंद यीशु मसीह ये कह देना कि मैं तुम्हें सच कहता हूं, तो इसका मतलब होता है कि मैं लीगल स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं स्टाम्प पर लिख के दे रहा हूं, यह नॉर्मल बात नहीं कर रहा, मैं मोहर करके दे रहा हूं कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने घर या भाइयों या बहनों या मां या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातर और इंजील की खातर, मेरी खातर और अंजील की खातर, जो अंजील की बशारत करते हैं, अगर आपने छोड़ दिया है तो फिर आपको इस जमाने में 100 गुना ना मिले, 100 गुना मिलेगा। यहां खुदावंद यीशु मसीह ने एक हिस्ट्री बताई है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने में बड़ी मुश्किल यह रही थी, जितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के दौर में और खुदावंद यीशु मसीह के बाद में यीशु मसीह को कबूल किया है, उन्होंने पहले अपने मां बाप को छोड़ा है, बहन भाइयों को छोड़ा है, फिर उन्होंने अपने बिजनेस को छोड़ा है, और कईयों ने तो शायद वो मुल्क भी छोड़ दिया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने पर जो पहली चीज सामने आती है वो परसिक्यूशन यानी इजारसानी है। वो घर से शुरू हो जाए या मोहल्ले से शुरू हो जाए या लीगल कोई परसिक्यूशन आ जाए, इजारसानी जो है आपकी शुरू हो जाएगी जब आप खुदावंद यीशु मसीह को मान लेंगे, आप मुश्किल में आ जाएंगे। और फिर क्या होता था कि इब्तदाई जो कलीसिया है उसमें, क्योंकि उनको पता था कि जो यीशु मसीह के पास आएगा उसको बहन भाई छोड़ने पड़ेंगे, उसको कारोबार छोड़ना पड़ेगा, तो इब्तदाई कलीसिया ने एक असूल बना लिया था कि जो भी नौ मरीद आता था
उसको उसके बहन भाइयों की कमी महसूस नहीं होने देते थे। जितने मसीही लोग थे उनको बहन भाइयों की कमी महसूस नहीं होने देते थे। यीशु मसीह ने कहा है कि जो बहन भाई छोड़कर आता है कलीसिया में से, उसके पास अगर दो भाई छोड़े हैं तो 100 भाई यहां बैठे हैं, अगर 4 बहनें छोड़ी हैं तो 400 बहनें यहां बैठी हैं। अगर कारोबार छोड़ा है तो चर्च की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उस वक्त कलीसिया अपनी चीजें बेच बेच कर, वो अमाल 4 बाब के आखिर में वो शागिर्दों के कदमों पर ले आते थे और वो बिजनेस जो था नौमरीदों के साथ किया जाता था, यानी 100 गुना मिलता था उन्हें। और आज भी हमारी कलीसियाओं की जिम्मेदारी है कि अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने घर बार को छोड़ता है, अपने कारोबार को छोड़ता है, तो मसीहियों की जिम्मेदारी है कि मसीहियों के हाथ खुल जाने चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकारों के लिए खुदावंद के लोगों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। 100 गुना मिलेगा, घर और भाई और बहनें और माएं और बच्चे और खेत, लिखा है मगर जुल्म के साथ, जुल्म के साथ, यानी आपके ऊपर जुल्म होता रहेगा उस तरफ से, लेकिन मसीहियों में आपको वेलकमिंग स्पिरिट मिलेगी, कारोबार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, यीशु मसीह का प्यार मिलेगा। ये उनके लिए यीशु मसीह ने कहा है जो उसको कर रहे थे, ये पतरस को जवाब दिया है। और फिर यहां ही नहीं, जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं और बहुत कुछ छोड़ देते हैं इस दुनिया में, तो कलीसिया उन्हें लुक आफ्टर करेगी और अगली दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह खुद उन्हें वेलकम कहेंगे। लिखा है और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। ये पतरस ने कंसर्न शो किया था कि हम जो सब कुछ छोड़ आए हैं हमें क्या मिलेगा। उसने कहा था कि कलीसिया में जमीन पर कलीसिया आपको लुक आफ्टर करेगी और आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह हमारा होस्ट होगा। वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की खातर मुश्किलात का सामना किया है और अपने बहन भाइयों को छोड़ा है। लेकिन एक वार्निंग खुदावंद यीशु मसीह ने क्लोज किया है 31वीं आयत में, एक वार्निंग दे दी है, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि इस खुशफहमी में ना रहना कि तुम जो मेरे पीछे हो गए हो अब ये तुम्हारी वजह से हुआ है, नहीं, ये जो कुछ हुआ है मेरे फजल की वजह से हुआ है, मेरे फजल की वजह से आपको इस कलीसिया में जगह मिली है, मेरे फजल की वजह से आपको आसमान पर जगह मिली है। और यह नहीं है कि बस आप आ गए हैं, उसको मान लिया है और आपकी जिंदगी मसीही नहीं है। अगर आपने यीशु मसीह को मान लिया है और आपने अपना तर्ज जिंदगी मसीही नहीं रखा, तो यह मत समझना कि ये चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि जो बहुत से अव्वल हैं वो आखिर, हो सकता है जिन्होंने मुझे कबूल किया वो आसमान की बादशाही में दाखिल ना हो और जिन्होंने आखिर में कबूल किया वो खुदा की बादशाह में दाखिल हो, क्योंकि मकाशमा में लिखा है कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का। यीशु मसीह को कबूल करना ही काफी नहीं है, यीशु मसीह की कबूलियत में रहना मसीही जिंदगी है। और अगर कबूल कर लिया है तो फिर हमें कबूलियत में रहना है। अगर आप देखें मत्ती की इंजील उसके 20वें बाब की पहली 16 आयत में एक मिसाल है, तमसील है, और तमसील यही है कि एक मालिक है जिसका खेत है और उसके पास सुबह 8 बजे कुछ मजदूर आ गए हैं, तो उन्हें कहा कि आपको 1-1 रुपया मिलेगा। उसके बाद लंच के टाइम भी कुछ मजदूर आ गए, उनको भी कहा गया कि आपको भी 1-1 रुपया मिलेगा। और उसके बाद 5 बजे जब ख़त्म करना था, उसे 1 घंटा बाद कुछ लोग और आ गए, मालिक ने उनको भी कहा कि आप भी आ जाओ और उनको भी 1-1 रुपया दिया। और जब शाम को मालिक जो है वो उनको पैसे देने लगा, तो जो 1 घंटा काम किया उनको भी 1 रुपया मिला, जिन्होंने 4 घंटे काम किया उनको भी 1 रुपया मिला, और जिनको 8 घंटे काम दिया उनको भी 1 रुपया मिला। तो वो जिनको सुबह से लगे हुए थे उन्होंने कहा कि खुदावंद
इन्होंने तो एक घंटा काम किया है। उसने कहा कि जब मैंने सुबह आपको 8 बजे लगाया था, क्या मैंने 1 रुपया नहीं कहा था आपको? जो 12 बजे लगे थे उनको कहा मैंने, क्या 1 रुपया नहीं कहा था आपको? जो अव्वल हैं वो आखिर हो जाएंगे, अब जो आखिर हैं वो अव्वल हो जाएंगे। ये खुदा की मर्जी है कि जिसने 70 साल खुदा के साथ गुजारे हैं उसको भी वही ताज मिले, जिसने 1 साल मरने से पहले खुदा में यीशु मसीह को कबूल किया है उसको भी वही ताज मिले जो खुदावन के पास है। ये मियार खुदावन के पास है। और इसने कहा है कि पतरस होशियार रहना, फखर में ना आना, गुरूर ना करना कि हम मसीही हैं। तमाम मसीहियों को यह इंतबाह कर दिया गया है कि मगरूर ना होना कि हम तो बाप दादा से मसीही हैं, लिहाजा हम अव्वल हैं और अव्वल ही रहेंगे। हो सकता है खुदा ना करे हम आखिर हो जाए, जो हमारे बाद आए हैं वो अव्वल हो जाए। सो खुदावन यीशु मसीह की कबूलियत आज ही हो और मरते दम तक कबूलियत हो, जान देने तक वफादार रहेंगे तो जिंदगी का ताज मेरा और आपका होगा। खुदावंद आपको बरकत दे।